गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल राशि डेढ़ास ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे हो गए, सेफ हो गए अपने घरों में। तो आज की वीडियो हमारा कोई ब्लॉग नहीं है, आज की वीडियो मैंने स्टार्ट करी है। दीदी आपको जैसे दिख रही होगी, आज दीदी मेरे साथ है। तो एक ऐसा हमारे लिए थोड़ा सा सेंसिटिव टॉपिक था जब से हमने ब्लॉग स्टार्ट करे हैं। आप लोग हमेशा ही पूछते हो कि दीदी की मतलब शादी के इतने टाइम बाद नीचे हुआ और नहीं हुआ, जैसे बता दूँ कि 10 साल बाद हुआ था, कैसे हुआ, क्या क्या हमने ट्रीटमेंट कराया इनका और किस तरह से कंसीव हुआ। तो आज उसी के बारे में बात करने वाली हूँ, क्योंकि कुछ दिन पहले शायद हमने लाइव पे या फिर किसी वीडियो में बताया था, तब से कुछ लोग हैं जो बहुत डेस्परेटली इस चीज़ के पीछे पड़े हुए हैं कि आपने अभी तक नहीं बताया, अभी तक नहीं बताया। ठीक है, अब ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में मतलब जो इस चीज़ से गुजर रहा है उन्हें वो चाहते हैं कि कहीं से भी छोटी सी इन्फॉर्मेशन मिल जाए ना, क्या पता हमारा भी भला हो जाए। और हाँ, सच में इस वीडियो के थ्रू आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलने वाली है। बट अभी तक अभी आपने चैनल मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं करा है तो पहले लाइक कर दो वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आगे देखते रहना। आपको इस वीडियो के थ्रू बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और हम बताएंगे कि कैसे कैसे क्या क्या जर्नी रही 10 सालों की और किस तरह से मिकी नेचुरली कंसीव हुआ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा बकबक ना करते हुए। तो अभी दीदी अपनी जर्नी स्टार्ट करेगी आपके साथ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? तो थैंक यू सो मच मुझे मेरे चैनल पर इतना सारा प्यार देने के लिए। तो आज हम आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाले हैं अपनी जर्नी को। एक्चुअली मेरी अकेली की भी नहीं है, इसकी भी है, ये भी साथ में थी कुछ टाइम मेरे साथ उस जर्नी में, तो दोनों की है। वैसे तो मेन तो मेरी ही है। हाँ, तो जब मेरी शादी हुई थी, मेरी एज थी 19 साल, तो मैं 19 साल की थी जब मेरी शादी हुई। बहुत छोटी एज में शादी हो गई थी, तो नॉर्मली शादी हुई, कोई ऐसा कुछ था नहीं कि भाई कंसीव बच्चे को लेके 8-9 महीने, 6-7 महीने, 8-9 महीने हो गए थे, सब ठीक था। ऐसा कुछ था नहीं दिमाग में भी कि बच्चे के लिए। तो एक दिन ऐसे ही मेरे पेट में थोड़ा दर्द हुआ तो हम डॉक्टर के पास गए। तो जैसे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई तो मैंने मम्मी को बताया कि मेरे को पेट में दर्द है। मम्मी बोली, हमारे यहीं पास में डॉक्टर थी मधुविहार में, डॉक्टर आभा शर्मा, बहुत अच्छी डॉक्टर हैं वो। तो उनके पास गए उनके पास, उन्होंने कहा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने चेक किया तो उन्होंने बोला थोड़ी सी सूजन है पेट में, उससे पेट में दर्द होता है। और उन्होंने ये बताया कि जैसे सूजन होती है पेट में तो उससे कंसीव होने में दिक्कत होती है, तो मैं आपको दवाइयाँ दे दूँगी, इनसे आपकी सूजन ठीक हो जाएगी और कंसीव भी हो जाएगा जल्दी। उससे पहले हमारे दिमाग में ऐसा कुछ था नहीं। तो फिर उन्होंने हमें दवाई दी, तो 1 महीने की मैंने दवाई खाई। नेक्स्ट मंथ हमने सोचा चलो ठीक है, डॉक्टर ने दवाई दी, सूजन वूजन हो जाएगी ठीक, उसके बाद नेचुरली कंसीव हो जाएगा। तो वो कंसीव नहीं हुआ। फिर मैंने मम्मी को बताया तो फिर मम्मी बोली चलो डॉक्टर से पूछ लेते हैं, डॉक्टर ने तो बोला था कि इस दवाई से सब ठीक हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है चलो। फिर हम गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने बोला कई बार ऐसे हो जाता है कि नेचुरली भी नहीं कंसीव होता है, तो मैं आपको 3 मंथ्स की टैबलेट दे दूँगी। तो उन्होंने मुझे 3 मंथ्स की टैबलेट दी कि आप ये खाओ 3 महीने तक, इनसे तो पक्का आपको कंसीव हो जाएगा, क्योंकि कोई ऐसी दिक्कत है नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएगा। तो फिर 3 महीने वो टैबलेट्स खा ली, उनसे भी नहीं कंसीव हुआ। तो फिर हम फिर से गए, मैंने मम्मी को बताया, फिर से हम गए डॉक्टर के पास। फिर डॉक्टर ने मुझे बोला कि अभी आपके टेस्ट स्टार्ट करते हैं। फिर उन्होंने मेरे ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड ये सब करे। अल्ट्रासाउंड में सब ठीक आया, ब्लड टेस्ट जो भी कराए वो सब ठीक आए, जैसे नॉर्मली थायराइड और ये सब टेस्ट होते हैं वो सब मेरे ठीक थे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं आई। तो डॉक्टर ने बोला ऑब्लूशन पे रखते हैं इनको, इनके अल्ट्रासाउंड वगैरह स्टार्ट करते हैं, मेडिसिन देते हैं। वो प्रोसीजर स्टार्ट किया तो उसमें वो करते रहे, उससे भी नहीं कंसीव हुआ। फिर डॉक्टर ने मुझे बाद में सजेस्ट किया कि एचएसजी होता है, जो जैसे ट्यूब्स ब्लॉक होती हैं उसका टेस्ट होता है, उसे एचएसजी बोलते हैं। वो सबसे ज़्यादा पेनफुल होता है, उसको तो सोच के दिमाग खराब हो जाता है, इतना पेनफुल होता है ना, सोच भी नहीं सकते हो। उस टाइम मुझे पता नहीं था क्या होता है, डॉक्टर ने बोला ऐसे ही दवाई डालेंगे देखने के लिए, चेक करने के लिए ट्यूब बंद है या ओपन है। मुझे लगा ठीक है नॉर्मल सा टेस्ट होगा, करा लेंगे, क्या है इतना सब कुछ इंजेक्शन दवाइयाँ तो करा ही रहे हैं, ये भी करा लेते हैं। लेकिन जिस दिन वो कराया उस दिन पता चला है एचएसजी क्या होता है, बहुत हालत ख़राब होती है उसमें, तो बहुत पेनफुल होता है वो। जिन्होंने कराया होगा उन्हें पता होगा कितना पेनफुल होता है। मैं रिपोर्ट्स में आया कि आपकी ट्यूब्स ठीक हैं, ओपन थी ट्यूब्स मेरी, तो डॉक्टर ने बोला ये भी ठीक है। फिर अपना वो नॉर्मल दवाइयाँ और ये सब करते रहेगी, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर कुछ टाइम फिर निकल गया इधर उधर, मम्मी फरीदाबाद वाली मम्मी वो कुछ ना कुछ बताती रहती, इस डॉक्टर को दिखा लो, उसको दिखा लो, कोई किसी का फ़ोन आ रहा है मम्मी के पास कि अरे वो एक दाई बताइए किसी ने, वहाँ चले जाओ वो अच्छा करती है, कोई बता रहा है कि वो एक बाबा हैं
पहाड़ों पर गए थे हम। तो हमारी फैमिली थोड़ी पढ़ी लिखी है, बट जब आप इस सिचुएशन से गुजर रहे हो ना, तो आपको फिर लगता है कि चलो कोई बाबा बता दे, कोई दाई बता दे, क्योंकि डॉक्टरों के ट्रीटमेंट आप ले रहे हो नहीं, फिर लगता है चलो ये भी ट्राई कर लो, क्योंकि उनके पास एग्जाम्पल भी बहुत सारे होते हैं ना, कि वहां से 5-6 के हो गया, 3-4 के, और आपको पता है जो इस चीज का झेल रही है वो इतनी डेस्परेट हो जाती है वो वुमन, घर वाले हो ना हो, आदमी होंगे नहीं होंगे, मम्मी पापा होंगे नहीं होंगे, बट ये इतनी डेस्परेट होगी कि नहीं मुझे जाना है, चलो करवा लेंगे, बस वो हो जाता है। तो फिर वहां भी चले गए, उन्होंने जो बताया वो भी करा लिया, फिर उसके बाद फिर ये सब घूम फिर के ये सब करा के थोड़े दिन बाद फिर वापस से गए डॉक्टर के पास कि नहीं हो रहा, फिर डॉक्टर के पास ही चलते हैं। मैं छोड़ देती थी कि ठीक है मैं नहीं करा रही डॉक्टर से, मैं नहीं जा रही डॉक्टर के पास। फिर मम्मी बोलती थी एक बार दिखा ले, एक बार फिर से चल जाए। इस सब चीज़ में ना एक चीज़ बहुत अच्छी थी कि मम्मी ने हमेशा इतने अच्छे से सपोर्ट किया कि बहुत सारी चीज़ें होती थी कि जो मतलब हम तक भी नहीं आने देती थी, वो अपने आप ही, कोई उनसे कुछ बोलता था वो अपने आप अंदर ही रखती थी, अपने पास ही रखती थी, हम तक तो आने भी नहीं देती थी, कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या कह रहा है, ठीक है वो अपने पास ही रखती थी, बहुत सपोर्ट की ऐसी है मम्मी ने। फिर डॉक्टर के पास वापस से गए तो डॉक्टर ने बोला कि आपको ना फिर से HSG कराना होगा। मैंने कहा वो इतना पेनफुल फिर से, बोलने कि कई बार ऐसा होता है कि कई बार बहुत दिन हो गए आप आए हो तो फिर से दिक्कत हो सकती है, वरना आपके ऐसे कोई दिक्कत है नहीं तो फिर से कराओ एक बार, मतलब 6-7 महीने बाद दोबारा से ही कराना पड़ेगा। तो मैंने फिर से कराया, लेकिन उस बार उसमें ट्यूब्स, मेरी दोनों ट्यूब्स ब्लॉक आई, कि डॉक्टर ने बोला कि ट्यूब ब्लॉक है आपकी। तो फिर हमने कहा, फिर मुझे चलो पेनफुल तो था पर मुझे उसमें लगा कि हो सकता है मेरी ट्यूब्स ब्लॉक हो, इसी वजह से कंसीव नहीं हो रहा, तो मैं ये चीज़ को लेकर रिलैक्स हो गई थी, कोई बात नहीं कुछ बीमारी मुझे पता चली, मैं इसको ट्रीट कर, इसका डायग्नोसिस करा लेंगे तो ठीक हो जाएगा, चलो कंसीव हो जाएगा। 4 लोगों से पूछा कहाँ कराएं, तो उन्होंने बताया कि बत्रा हॉस्पिटल में कराओ। तो एक मौसी मौसा जी हैं हमारे, उनकी जान पहचान थी, उन्होंने अच्छे से डॉक्टर से हमारा अपॉइंटमेंट कराया और हमने वो बत्रा हॉस्पिटल में ट्यूब्स का करा लिया, ओपन हो गई, ठीक है। फिर हम गए डॉक्टर के पास, ये बोले कि ट्यूब अपने रिपोर्ट्स वगैरह, उन्होंने कहा हाँ ठीक है अच्छे से ओपन हो गई हैं, अब आपका हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। तो फिर वो ट्रीटमेंट हुआ, 2-3 महीने नेचुरल प्रोसेस जो उसका होता है वो करते रहे ट्राई, उस बीच में हमने शायद IUI, वो नेचुरल प्रोसेस ही होता है, वो भी ट्राई किया IUI। हमारे 2-3 IUI के साइकिल जो थे वो फेल हो चुके थे, तो उस टाइम तक तो बहुत मतलब ये हो चुका था, हम मतलब मेरा कम से कम 10-15 किलो वेट मेरा बढ़ चुका था, मैं बहुत मोटी हो चुकी थी दवाइयाँ खा खा के, और कहीं भी जाने का तो बिल्कुल मन करता ही नहीं था। बहुत सारी जगह ऐसी होती है ना कि अभी जाएंगे शादी फंक्शन तो सब यही पूछेंगे सबसे पहले, कुछ है कुछ है, तो जिनकी मेरे साथ शादियां हुई थी, मेरे कजन्स, इनके कजन्स जो इनसे भी छोटे थे एज में, और मेरे कज़न भाई बहन छोटे छोटे थे जो, सबकी शादियां हो गई, इवन मेरी सिस्टर की जो मेरे से छोटी थी उसकी शादी हो गई थी, सबके बच्चे मतलब हो गए थे 2-2, 3-3 साल के। वो टाइम सबसे टफ टाइम होता है कि अब क्या, अब लगता था अब क्या कि हम ये सबके तो बच्चे हो गए हम ऐसे ही रहेंगे, तो वो मेरे लिए वो टाइम तो बहुत ही मुश्किल था। तो ये चीज़ें तो वही समझ सकता है जिसके उस टाइम, अब मेरी फीलिंग जो ये है इस टाइम वो वही समझ सकता है जो इस चीज़ से निकल चुका है कि हाँ कैसा लगता है। टफ था बट ये था कि फैमिली बहुत सपोर्ट करती थी, मम्मी ने या हस्बैंड ने उस टाइम इतना किसी को मौका नहीं दिया बोलने का, अगर ये लोग भी ऐसे होते तो शायद लोगों को और ज़्यादा मौका मिलता बोलने का। सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरे हस्बैंड का था, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया हर चीज़ में किया, ट्रीटमेंट से लेके अपनी जॉब छोड़ के आ जाते थे, डॉक्टर के जाना है सब छोड़ के, ऑफिस छोड़ के कि जान, इनको देखती थी तो इनके लिए भी बहुत बुरा लगता था कि यार मेरी वजह से ये भी परेशान है सब, क्योंकि अपना टाइम ऑफिस जॉब सब छोड़ के इधर उधर घूमते रहना, हमारा साथ किसी चीज़ पर ध्यान फोकस ही नहीं हो पाता था, बस उसी चीज़ में ध्यान रहता था, क्योंकि ये चीज़ें हमको जितना हम इससे इफ़ेक्ट होते हैं ना, हम मेंटली जितना हम इससे अपने आप से नहीं होते हैं, दूसरों की बातों से, दूसरे आस पड़ोस के लोग सब बोलने लग जाते हैं कि ये वो, इतने परेशान हो गए थे। फिर लास्ट में हमें किसी ने सजेस्ट किया कि आप IVF कराओ, तो IVF पहले तो हमारे लिए ये था कि क्योंकि उस टाइम IVF कोई कराता नहीं था, फिर इन्होंने बोला कि चलो ठीक है हम एक बार बात करके देखते हैं डॉक्टर से कि क्या होता है। वैसे हम डॉक्टर के पास गए, उन्होंने बताया हमें कि ऐसे ऐसे, पहले लोग समझते थे, आजकल तो खैर ये सब चीज़ें भी नॉर्मल हो रही हैं, IVF भी हर कोई करा ही लेता है, क्योंकि पहले लोग बोलते थे ये अपना बच्चा नहीं होता है तो दूसरों का बच्चा होता है, पहले लोगों में ये सोच होती थी। तो फिर जब तक इसकी शादी नहीं हुई थी, सगाई तो हो गई थी, तो मैंने सोचा कि चलो हम लोगों ने सोचा IVF ट्राई करते हैं, और मम्मी ने बहुत सपोर्ट किया, मैंने मम्मी ने और इन्होंने, हम तीनों को पता था, किसी को नहीं पता था कि हमने IVF कराया, हमने चुपचाप IVF करा लिया। तो इसकी शादी से पहले की बात है शायद ये,
वो आई वी एफ मेरा होना था, इसकी शादी की तैयारियां चल रही थी जब, तो ये मुझे फैजाबाद छोड़ाए थे कि वहाँ पे ध्यान बटा रहेगा और बिजी रहेगी, यहाँ अकेले थोड़ा ऐसे ही रहेगा, तो वहाँ पे थी मैं, शादी की तैयारियाँ वगैरह चल रही थी उस टाइम। तो मैं क्योंकि जो उसके आई वी एफ का जो ट्रीटमेंट होता है ना, उसके जो इंजेक्शंस होते हैं और इतने हैवी डोज वो देते हैं ना, उससे इतना वेट बढ़ जाता है। उस टाइम की फोटोज हमने देखे, मैं इतनी मोटी थी उस टाइम पे, पर 2-3 महीने पहले ही शायद वो कराया था, वो करा लिया, फिर वो आई वी एफ की साइकिल भी जो है फेल हो गई। तो फिर अब दिमाग में ये आया कि जब आई वी एफ भी फेल हो गया है तो फिर क्या होगा। आई वी एफ हमारे लिए तो ये था कि आई वी एफ लास्ट ऑप्शन है, अगर इससे हो जाएगा तो ठीक है, इससे नहीं होगा ये सोचा ही नहीं था कि नहीं होगा, ये था कि आई वी एफ से तो होगा ही होगा, ये तो लास्ट ऑप्शन है, इससे ही होगा। तो वो सबसे मुश्किल टाइम था मेरे लिए, बहुत ज़्यादा मुश्किल, जब मेरे लिए मेरी तरफ से वो मेरी लास्ट उम्मीद थी वो ख़त्म हो चुकी थी आई वी एफ कि अब आई वी एफ से भी नहीं हुआ तो अब कैसे होगा। कि मैंने भी ये सोचा, ये लगता था कि अब तो शायद मेरे को भी नहीं होगा बेबी, मैं ऐसे ही रहूँगी शायद। उसके बाद फिर इनकी शादी हो गई, ये लोग चले गए हैदराबाद। तो हैदराबाद में इन्होंने प्लान नहीं किया था क्योंकि ये लोग बहुत दूर रहते थे, तो ये लोग प्लान नहीं कर रहे थे कि इतनी दूर रहते हैं, प्रेगनेंसी हो जाएगी, बच्चा हो जाएगा तो कैसे मैनेज होगा। तो 2 साल तक इन्होंने कुछ प्लान नहीं किया, तो हमारा भी नॉर्मल चलता रहा, कहीं ना कहीं किसी ना किसी डॉक्टर को दिखाते रहे, किसी ने कुछ बता दिया वहाँ दिखाते रहे। फिर ये लोग चंडीगढ़ इधर शिफ्ट हो गए, तो फिर हमने भी इनको बोलना शुरू किया कि भाई अब तुम यहाँ आ गए हो, यहाँ डॉक्टर्स भी अच्छे हैं, तुम दिखा लो, यहाँ से केयर भी हो जाएगी, किसी की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग भी जा सकते हैं, मम्मी भी जा सकती हैं। मेरा तो, मैं तो बिल्कुल डिप्रेस उस टाइम हो चुकी थी, मैं बिल्कुल ही मतलब ऐसे हो चुकी थी कि नहीं, अब मेरे दिमाग में ये चीज़ आ गई थी कि नहीं मेरे को तो प्रेगनेंसी होगी ही नहीं, और इतनी मोटी मैं हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा क्या 15-20 किलो वेट मेरा, जैसे शादी पे तो सब लड़कियां रहती हैं पतली सी, बिल्कुल ऐसी थी, और अपने आप को देखती थी तो बड़ा अजीब सा लगता था। तो फिर ये मैडम मेरे पीछे पड़ी कि अब कुछ नहीं करते तो वेट कम कर, मैंने कहा ठीक है कर लूँगी। नहीं, ये सुबह शाम मुझे फ़ोन कर करके वेट कम कर, वेट कम कर, वेट कम कर, मैंने कहा ठीक है कर लूँगी। नहीं तू जा, इसने मुझे बोला कि डाइटिशियन के पास जा, तो मैंने इनको बोला कि मैंने कहा मुझे डाइटिशियन के पास जाना है, कह रहे अच्छा, कह रहे आप पूजा ने बोल दिया तुझे डाइटिशियन के पास जाना है, कह रहे मुझे डाइटिशियन के पास ले गए, उससे कहते ये कुछ नहीं करेगी, अगले महीने आएगी भी नहीं, इसको शौक लग रहा है, वैसे इसकी बहन ने बोला इसलिए शौक लग रहा है, ये अगले महीने आएगी भी नहीं। मैं सब उन जिन चीज़ों में ना बिजी रहती थी क्योंकि मैं भी फ्री थी, वहाँ ये ऑफिस चले गए 2-3 दिन के लिए गायब, और मैं ये घंटों फोन पर बात करते थे, अपने बाल स्ट्रेट कराते हैं इनमें आजकल ये चल रहा है, बड़ा नया नया फैशन। नहीं नहीं, हमने स्मूदिंग दोनों ने कराई पहले, तो इसने मुझे बोला तूने स्मूदिंग तो करा ली बट तू थोड़ी मोटी लग रही है, तू वेट कम कर। मैंने कहा वो कैसे कम करूं, कह डाइटिशियन के पास जा, मैंने कहा डाइटिशियन पे, और उस टाइम डाइटिशियन पे मैंने कहा चले यार, मैंने कुछ नई नई चीज हमने भी सुनी थी कि डाइटिशियन होती है, तू जा। और इसने मुझे बोल दिया और मैं इनके पीछे पड़ गई, ये मुझे ले भी गए और वहां डाइटिशियन जाके बोल रहे अगले महीने आएगी भी नहीं। तो फिर चले गए हम, पर मैंने डाइटिशियन की डाइट को बहुत अच्छे से फॉलो किया, तो क्योंकि सिर्फ मैं डंडा लेके बैठी रहती हूँ, तो कर रही है वेट मशीन मंगा ली कि रोज मुझे वेट की मशीन, इतनी तो डाइटिशियन भी नहीं बोलती थी, ये मेरे पीछे पड़ी थी, फोटो भेज कितना वेट आया, मैंने ठीक है जब वेट कम नहीं आता था ना तो वही मैंने कि आज बताएगी मुझे। तो फिर धीरे धीरे वेट कम होता गया, 1 महीने में 5-1 किलो वजन शुरू के, हाँ 1 महीने में मैंने 5 किलो वेट कम कर लिया था, मैं भी बड़ी खुश हो रही थी, अब वही वाह वेट कम हो रहा है। जीजा जी की बात सही है, नेक्स्ट महीने गई नहीं, हाँ फिर नहीं गई मैं डाइटिशियन पे, हम दोनों ही बहन लगे रहे, फिर हमने खुद ही हम डाइटिशियन बन गए कि मैंने इसको सारे डाइट चार्ट भेज दिए थे कि देख ये बताया, इसने भी नेट पे सर्च किया कि हाँ ये खाने से ऐसे विटामिन प्रोटीन सब वो अपना अपना ढूंढती रहती थी, कुछ ये मुझे बताती थी कुछ मैं इसे बताती थी, आइडियाज हमें वहां से मिल गए थे, और हमने इसने काफी उस चीज को उस पर काफी देखा और काफी पढ़ा मतलब इस बारे में। तो फिर इसके ये कह रही मैं भी कर लेती हूँ, मैं कह तुझे जरूरत नहीं है, कह रही नहीं मैं कर लेती हूँ, तो इसने भी अपना 2-3 किलो वेट मुझे देख के और कम किया, जो शादी के बाद नॉर्मली सबको बढ़ जाता है, तो इसने भी 2-3 किलो वेट लूज किया था अपना। तो मैंने फिर धीरे धीरे मैंने कर लिया था, 10 किलो तक मैंने अपना वेट लूज कर लिया था, और मैं उस टाइम अपना डिप्रेशन बिल्कुल भूल चुकी थी, मैं बिल्कुल आसमान में उड़ रही थी कि मैं फिर से पहले जैसी हो गई थी, शायद 85 से 75 हुई थी ना, हाँ 85 था मेरा वेट, शादी पे मेरा वेट था 55 या 56 जो मेरा बढ़ के हो गया था 75 85 85 हो गया था, हमारी शादी पे 75 थी और उसके बाद IVF वगैरह के बाद ये हो गई 85 में हो गई थी। तो फिर वापस से मैं 75 आई, उसी में बहुत खुश हो गई थी कि हाँ 75 हो गया मेरा, तो 2 साल पुराने कपड़े आ रहे हैं जो हमारी शादी पे बनवाए थे, वो कपड़े वपड़े सब आने लग गए थे पुराने, तो बड़ी खुश हो रही थी, चलो ठीक है। ध्यान थोड़ा सा अलग हुआ था कि क्योंकि उस टाइम मेरे मन में ये था कि मेरे को प्रेगनेंसी अब होनी नहीं है,
तो मैं अपने आप को कहीं ना कहीं बिजी कर रही थी, सोचना छोड़ दिया था। तो मम्मी ने, और उस बीच में हमारे फैजाबाद वाले मम्मी पापा ने, एक पंडित जी हमारे हैं बहुत जानने वाले, वो फुलवाड़ी से आते हैं, वो चाचा जी थे, उन्होंने भेजा कि उनको दिखा लो। पर मेरे को ये था कि खैर इन चीज़ों से कुछ होता नहीं, बट ठीक है चलो, जो बता रहे हैं मम्मी पापा बोल रहे हैं, पूजा पाठ करने में कोई बुराई नहीं है। आपने देखा होगा हमने छत पे देवता रखे हुए हैं, उससे पहले हमने अपनी छत पे देवता नहीं थे हमारे, थे वो थे पता नहीं कहाँ थे, बट हम उनके नाम का पानी ऐसे ही देते थे, देवता नहीं रखे होते हमने। तो फिर हमने वो देवता जो हमें पंडित जी ने बताया वो हमने अपने छत पे रख लिए थे। उन्होंने बोला कि सुबह इनको मीठे पानी से नहलाना है और शाम को जोत जलाना है, 6 महीने तुम्हें करना है, तो ठीक है 6 महीने में तुम्हें जरूर देखने को मिलेगा, फल मिल जाएगा। मैंने कहा ठीक है चलो, सब बताते हैं, भगवान है अपने देवता है, इनकी कर लेते हैं कोई बात नहीं। तो 6 महीने लगातार मैं भूल भी गई थी कि मैं किस पर्पज से कर रही हूँ, बस एक आदत बन गई थी कि सुबह देवता को नहलाना है, शाम को जोत जलाना है, वो एक आदत बन गई थी, रूटीन बन गया था मेरा कि मुझे करना है ये काम की तरह, मैं उसे कर रही थी। तो फिर उसके बाद ना फिर लोगों ने बोलना शुरू किया कि बड़ी को तो है नहीं, अब छोटी को भी नहीं है। और मतलब उस टाइम फिर मुझे थोड़ा सा हम लोगों को वो लगने लगा कि यार चलो, मुझे तो बोलते ही थे, अब इसको भी बोलने लगे, मैं तो धीरे धीरे इन चीज़ों से निकल रही थी। तो मैंने इसको बोला, मम्मी ने भी इसे बोला कि अब यहाँ तुम डॉक्टर को दिखा लो। तो भैया बोले, भैया का थोड़ा उस टाइम ट्रैवलिंग का था कि मम्मी मेरा ट्रैवलिंग है, मैं डॉक्टर पे मैं 2-3 दिन के लिए चला जाता हूँ, डॉक्टर को कैसे दिखाएंगे। मम्मी ने कहा चल मैं आ जाती हूँ, मैं साथ चली जाया करूँगी इसके। तो मम्मी चली गई थी वहाँ पे इसके पास कि डॉक्टर को दिखाना है, नॉर्मली तो दिखाना भाई, स्टार्टिंग करनी है तो डॉक्टर को दिखाना ही पड़ता है। तो डॉक्टर ने इसे बोला ऐसा कुछ नहीं है, इनके टेस्ट वेस्ट सब करे इसके भैया के, डॉक्टर ने बोला सब ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है, तो आप लोग को बस 2-3 महीने ऑपरेशन पे रखेंगे और तुम्हारा है 3 साइकिल हम करते हैं उसमें हो जाएगा, ठीक है। तो मम्मी वहाँ चली गई थी, इसकी पहली साइकिल कराई तो वो फेल हो गई। तो फिर थोड़ा परेशान हो गए सब लोग कि भाई मेरी जस्ट एक ओवुलेशन साइकिल फेल हुई, मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो गई जैसे आई फेल हुआ। हाँ नॉर्मल सा था एक, बिल्कुल डॉक्टर ने दवाइयाँ टेबलेट्स दी कि कुछ नहीं है तुम्हारा, सब कुछ ठीक है, बहुत कम एज है, जैसे मुझे बोला था इतनी कम एज में तो नेचुरली कंसीव हो जाएगा, ये वो ठीक है हो जाएगा। तो इसको दे दी दवाइयाँ वगैरह और मम्मी भी वहीं पे थी, तो फिर कंसीव नहीं हुआ इसका भी। तो मेरे फैसला से मम्मी का फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे पूजा ने टेस्ट किया, उसके पता चला। मैंने कहा मम्मी नहीं, तो वहाँ मम्मी भी रोने लग गई, मैं भी रोने लग गई, क्योंकि बहुत मुश्किल होता था ना कि एक का तो सुन ही रहे थे नहीं नहीं नहीं, फिर इसका भी। तो फिर जैसे तैसे मम्मी को समझाया, ठीक है मम्मी कोई बात नहीं है वो, मैंने कि हो जाएगा। तो मेरे ठीक है, फिर मम्मी यहाँ पे आई थी किसी काम से, अगले महीने कुछ यहाँ पे कुछ काम पड़ गया था मम्मी को, तो मम्मी आई तो मम्मी मेरे से कहने लगी कि मैं वहाँ डॉक्टर के पास गई थी, वो बहुत अच्छी डॉक्टर नहीं है वहाँ की, बहुत समझदार लगी मुझे, तू भी दिखा ले। मैंने कहा मम्मी यहाँ आगे डॉक्टर से तो हुआ नहीं है, यहाँ मम्मी डॉक्टर तो सब एक जैसे होते। मम्मी कहे नहीं नहीं बहुत अच्छी। मैंने कहा अच्छे एक काम करो, 2-3 महीने डॉक्टर ने बोला उसका दिखा लो, फिर आप वहाँ मैं भी चली जाऊँगी, आप भी वहाँ से, वहाँ तो यहाँ कैसे होगा। मैंने कहा पहले उसका देख लेते हैं, यहाँ पे ठीक है हो जाएगा तो फिर हम वहाँ भी दिखा लेंगे। कह रही ठीक है, क्योंकि मम्मी को ये रहता था, मैंने अपनी तरफ से ट्रीटमेंट छोड़ दिया था, तो मम्मी के मन में ये रहता था कि ट्रीटमेंट छोड़ दिया है, नहीं दिखाते हैं डॉक्टर को कुछ नहीं, कि ये भी दिखाएं डॉक्टर को। मैंने कहा उसका कर ले दो पहले, और मेरे मन में ये हो गया था, मैं अपने मन से थोड़ी रिलैक्स हो गई थी कि चल कोई नहीं, अब इसने ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया, मेरे ही तो नहीं हुआ, मेरी तो किस्मत खराब है, सबकी थोड़ी ना हो जाएगी। मैंने कहा ये इसके हो जाएगा जरूर, मेरे मन में ये था कि इसको जरूर कंसीव होगा और हो जाएगा एक दो बार में। तो फिर मैं अपनी एक्सरसाइज, साइकिलिंग, डांस बड़े अच्छे से, बहुत जोर शोर से मेरा चल रहा था। एक दिन सडनली मिकी के पापा के दिमाग में क्या आया, उन्होंने मुझे बोला कि ये ना ये जो तो साइकिल वाइकिल चला रही है ना आजकल, ये बंद कर दे। मैंने कहा क्यों? कह रहे अगर प्रेगनेंसी हुई तो। मैंने कहा प्रेगनेंसी हुई तो प्रेगनेंसी कैसे हो जाएगी भाई? कह रहे नहीं हो जाएगी, तुम इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज कर रही है, साइकिल चलाती है, भाग दौड़ करते हो इतने, छोड़ दो इसे 2-4 दिन के, छोड़ दें। मैंने कहा नहीं, मैं इनसे लड़ने लग गई। मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम मेरे को रोको मत, मेरा इतनी मुश्किल से वेट कम हो रहा है, मेरा 70 वेट हो गया था उस टाइम पे। और मैंने कहा तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है भाई, मैं वेट कम कर रही हूँ ना? कह रहे मत खराब मत करवाओ मुझे, करने दो। कह रहे ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है, तुम्हें ज्यादा दिक्कत है ना, तो कह रहे पहले हम टेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद जो मर्जी करिए। मैंने कहा ठीक है। पता नहीं इनको क्या, इनको इंट्यूशन आई, क्या था इनके दिमाग में, सबसे पहले ये चीज इनके दिमाग में आई। हमने टेस्ट किया सुबह सुबह, ये चले गए, ये बैडमिंटन खेलने जाते थे, ये मुझे बोल के कि मैं जा रहा हूँ खेलने। मैंने कहा ठीक है, मैं बड़े नॉर्मली उठी। मैंने कहा टेस्ट भी करना है, मैंने क्या फायदा मुझे, मतलब मैं अपने मन में 100% श्योर थी कि नेगेटिव ही आना है उसमें, कुछ नहीं आना उसमें। तो चले गए, मैं खेलने जा रहा हूँ, बैडमिंटन खेलने जाते थे स्टेडियम, तो चले गए। मैंने कहा ठीक है जाओ। तो मैं उठ गई, मैंने कहा देखा किट रखी, मैंने चलो टेस्ट कर लेती। पहले वो एक डार्क लाइन आई, मैंने उसे देखा ही नहीं, थोड़ी देर बाद मैंने देखा उसको, मैंने कहा ये इसमें धुंधली धुंधली लाइट क्या आ रही है। मैं कमरे में गई भाग के, मैंने बड़ी लाइट जलाई, मैंने देखा कि एक लाइन तो दूसरी आ रही है, बट ये थोड़ी लाइट क्यों है।
फिर मैंने इनको फोन किया, ये रस्ते में ही थे। मैंने कहा तुम घर आओ वापस। कह रहे क्या हुआ? मैंने कहा नहीं तुम वापस आओ घर। वापस आ गए भाग के। तो ये समझ तो गए थे कि ऐसे, और देखा और हंसते रहे, पता नहीं हंस रहे थे रो रहे थे, हमें नहीं पता हम हंस रहे थे उस टाइम रो रहे थे क्या कर रहे थे, बस उस क्विट को देखे ही जा रहे थे। और बैठ गए दोनों, क्या करना है क्या कैसे, समझ में ही नहीं आ रहा था उस टाइम क्या हुआ एकदम से। तो फिर मैंने सबसे पहले इसको फोटो भेज दी उसकी और मेरा दिमाग खराब मंगा लेता सुबह सुबह किसके लिए, सुबह सुबह मुझे दिमाग क्यों खराब कर रही किसी की विकेट भेज गई, क्योंकि मैंने इससे कुछ ऐसे डिस्कस किया नहीं था कि मुझे टेस्ट करना है या कुछ भी, ऐसा कुछ था ही नहीं। तो ये मेरे से कह रही है जब ज्यादा मजा आ रहा है पता नहीं किस किस की भेजती रहती। मैंने कहा किसी की नहीं है। फिर इसने देखा कि ये घर तो हमारा ही है, कह रही ये किसकी है? मैंने कहा तू बता किसकी है। और ये खुशी से पागल ही हो गई बिल्कुल। तो इसने वहां पे सबको भैया को दिखा दी होगी इसने इसको, भैया भी खुश हो गए। बट हमने फैमिली में उस टाइम तक किसी को बताया नहीं था, मम्मी को या किसी को। फिर यहाँ पे फिर मैं सुबह मम्मी के पास आई, मैंने मम्मी को बताया, मम्मी को मैंने कुछ नहीं, मैंने मम्मी को मैं एक चीज दिखाऊं, मम्मी कह रही हाँ। मैंने की ये देखो, मम्मी ने बेचारी ने पहली बार देखी, तो उससे पहले कभी मम्मी को दिखाया नहीं नेगेटिव का, क्या दिखाते हैं मम्मी को पॉजिटिव किट। पहली बार पॉजिटिव किट दिखाई मम्मी, उसे लेके यूं और बैठ गई और बेचारी ऐसे बैठी रही, देखती रही मुझे, देखती रही उस किट को देखती रही। ये थोड़ा सा रोने लग गए मैं और मम्मी दोनों। फिर अपना नॉर्मल रूटीन में गई ऊपर देवता पे। उस दिन मुझे लगा कि जो पंडित जी ने मुझे बात बोली थी कि तुम 6 महीने में तुम्हें फल मिलेगा, उस टाइम मुझे विश्वास हो उस बात पे कि हाँ भगवान होते हैं। फिर उसके बाद हम डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने, मैंने डॉक्टर से बार बार मैं ये पूछे जा रही हूँ किट दिखा के कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, कह रही हाँ। उन्होंने कहा कि अल्ट्रासाउंड भी करेंगे, टेस्ट भी करेंगे, ब्लड टेस्ट उन्होंने किया, और मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो डॉक्टर के पास हम तभी चले गए, सेम डे से टेस्ट किया तभी हम सुबह सुबह डॉक्टर के पास चले गए। तो डॉक्टर बोली प्रेग्नेंट है वो। मैंने कहा फिर से हम गए, उन्होंने कहा 15 दिन बाद आना, अल्ट्रासाउंड करेंगे, हार्ट बीट चेक करेंगे। तो मुझे जब तक, जिस दिन तक हार्ट बीट नहीं हुई चेक, मुझे उस दिन तक विश्वास नहीं था। मैं डॉक्टर से रोज ये पूछती थी मैं प्रेग्नेंट हूँ क्या, मैं प्रेग्नेंट हूँ, कह रही और कैसे होते हैं प्रेग्नेंट, प्रेगनेंसी टेस्ट में आ गया, ब्लड टेस्ट में आ गया। लेकिन जब मुझे विश्वास तब हुआ जब मैंने हार्ट बीट सुनी, तो मैंने हार्ट बीट सुनी, मैंने कहा इनको बोला, मैंने कहा रिकॉर्ड कर लूँ मैं डॉक्टर से बोला, कह रही रिकॉर्ड क्यों करना है, मैंने कहा घर पर दिखाऊंगी मम्मी को दिखाऊंगी सबको, कह रही ठीक है रिकॉर्ड कर लो। तो फिर इसको बता दिया, क्योंकि इसके मन में भी कहीं ना कहीं तो डिप्रेशन और टेंशन थी कि दीदी को नहीं हो रहा है मेरे को भी नहीं है। तो जैसे ही इसको बताया कि भाई ये प्रेगनेंसी है, तो ये रिलैक्स हो गई कि अब मुझे टेंशन नहीं है, मेरे हो ना हो मुझे इस बात से टेंशन नहीं है। तो जैसे इसकी नेक्स्ट साइकिल आई तो हमें पता चला अब कान्हा जी भी आने वाले हैं। तो वो सबसे बड़ा हमारे लिए वो दिन बहुत बड़ा था जब हमारे पास ये दोनों न्यूज़ थी कि हमारा मीकी भी आना है और कान्हा भी आ रहा है। तो वो तो एक अलग, हम दुनिया से अलग थे, पता ही नहीं था कि हम आसमान में थे, एक धरती पे थे, कहाँ थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आजकल लोग सब बोल देते हैं हमें देख के कि यार तुम तो बड़े लकी हो, तुम्हारे तो बड़े मजे हैं, तुम्हारा ये है वो है, लेकिन वो टाइम भी हमने ही देखा है, हम दोनों बहनों ने ही देखा है वो परेशानियाँ, क्योंकि जो मुझे बोलते थे वो फिर इसे बोलने लगे थे, सेम चीज़ें इसके ऊपर आने लगी थी कि बड़ी के भी नहीं है, छोटी के भी नहीं है, और वो कुछ भी नहीं था, एक स्ट्रेस लेवल था। मैं सबसे यही बोलूंगी अपने दिमाग से स्ट्रेस निकाल दो, क्योंकि जब मैंने स्ट्रेस अपने दिमाग से निकाला तो मीकी मिला, जब इसने अपने दिमाग से स्ट्रेस को निकाल दिया ये टेंशन फ्री हो गई कि चलो अब। और उस टाइम पे मम्मी यहाँ थी कि अब इसके प्रेगनेंसी है, मम्मी ना मैं किसी डॉक्टर के गई कुछ नहीं, बस एक साइकिल ली थी वो फेल हो गई, फिर मम्मी यहाँ आ गई, इसका भाई रेस्ट चल रहा था इतने टाइम बाद, और वहाँ मैं अपने घर के काम में अकेले रहना जैसे भी है, ड्राइविंग वगैरह सीख रही थी अपनी नंद लाली थी, वहाँ मैं गाड़ी वगैरह सीख रही थी सब कुछ, और ये भी बाहर रहते थे, कहीं डॉक्टर के नहीं जाना कुछ नहीं करना, बस घर पे नॉर्मल ऐसे ही थे, और तब कान्हा ऐसे कंसीव हो गया। तो ये ना हमने फिर कुछ भी करा, कोई मेडिसिन नहीं ली, कोई ट्रीटमेंट नहीं हुए, कुछ भी नहीं हुआ। आज हम लोगों को बताते हैं कि नेचुरली कंसीव हुआ तो लोग विश्वास नहीं करते हैं, लोग बोलते हैं ऐसे कैसे हो सकता है, इतने दिन बाद नेचुरल कैसे कंसीव हो सकता है। कराया होगा, आईवीएफ हमेशा ही सक्सेस, आईवीएफ भी कराया था लेकिन आईवीएफ हमारा फेल हो गया था, लेकिन आईवीएफ हमेशा सक्सेसफुल नहीं होते, होते हैं लोगों के, हम ये नेगेटिव नहीं बोलूंगी मैं इसको लेके कि जो लोग आईवीएफ करा रहे हैं उनको होते भी हैं, बट पॉजिटिव रहिए अगर आप वो ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं ना, तो बस मन में ये रखिए कि एक ट्रीटमेंट है, होगा नहीं होगा, दोनों तरह से पॉजिटिव रहिए, उसको ये शॉर्ट शॉर्ट मान के मत चलिए कि हमने आईवीएफ करा रहे हैं तो हमें कंसीव होगा ही होगा, ये कभी नहीं किसी चीज को लेके नहीं हो सकता ये, बट हम हमेशा यही बोलेंगे कि आप अपनी तरफ से पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, इस चीज को कभी किसी चीज का स्ट्रेस लेके मत चलिए, प्रेगनेंसी का तो बिल्कुल भी नहीं,
क्योंकि ये सिर्फ आपके स्ट्रेस लेवल पे है और कुछ भी नहीं है। जितना आप फ्री रहेंगे, फ्री माइंड से इस चीज को करेंगे, बिल्कुल आप 100% नेचुरली कंसीव तभी होता है जब आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो का एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर देना। बाय बाय।